दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और रीना राय का है। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। डिंपल कपाड़िया के पति राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में देने का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। राजेश खन्ना के लिए फैंस के बीच दीवानगी बेहद करिश्माई थी। अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा रीना राय भी राजेश खन्ना के चाहने वालों में शुमार थी। वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी। रीना राय साल 1972 में फिल्मों में कदम रखती हैं और उससे पहले वो मुंबई में ही मॉडलिंग व बार में डांस किया करती थी। फिल्मों में आने से पहले ही वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। एक इंटरव्यू में रीना रॉय ने बताया था कि वो राजेश खन्ना की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लंबी दूरी तय करके उनके बंगले के बाहर पहुंचती थी। घंटों वहां इंतज़ार करती कि एक झलक राजेश खन्ना की दिख जाए। रीना रॉय शायद खुद भी नहीं जानती होंगी कि जिस राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, उन्हीं के साथ वो फिल्मों में रोमांस करती हुई नजर आएंगी। फिल्मों में डेब्यू के 10 साल बाद रीना रॉय और राजेश खन्ना को फिल्मों में एक साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी धर्मकांटा और इसके बाद दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए। जिन फिल्मों में दोनों साथ नजर आए उन फिल्मों में आशा, ज्योति, हम दोनों, मुकाबला, दुश्मन, दोस्त और धनवान जैसी फिल्में थीं। इतनी फिल्मों में साथ काम करने की वजह से रीना राय और राजेश खन्ना काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। फिलहाल राजेश खन्ना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और साल 2012 में उनका निधन हो गया। वहीं अब रीना राय फिल्मों से बहुत दूर हैं और वो मुंबई में अपना एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं जिसमें वो नए बच्चों को एक्टिंग के गुर सिखाती हैं। रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुँचा। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली और शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी के बाद गुस्से में रीना राय ने कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और पाकिस्तान चली गई। हालांकि ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और एक बेटी के होने के बाद दोनों के रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ने लगा और इसके बाद रीना राय ने तलाक लेकर वापस मुंबई आने का फैसला कर लिया। आज रीना राय मुंबई में अपनी बेटी के साथ रहती हैं और बच्चों को एक्टिंग के गुर सिखाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।